गुड इवनिंग, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज आपको बताने वाले हैं चैप्टर टू से। ठीक है, चैप्टर वन यूनिट वन हम आपको पहले करवा चुके हैं, उसकी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चैप्टर टू यानी कि प्राथमिक अवधारणाएँ, ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, जो यूनिट है, आपके यूपी पीजीटी लेक्चरर के एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, सेट एग्ज़ाम में पूछी जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही है, सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आपको बताने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर वन, औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है को क्या कहा जाता है? राजनीतिक संस्था कहा जाता है। यूके पीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक आर्थिक संस्था नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, सरकार आर्थिक संस्था नहीं है। चैप्टर टू से देखिए कौन से एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वैसे ही आपके अभी भी एग्ज़ाम में आएंगे। सामुदायिक भाव के तीन तत्व, हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया? यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकाइवर और पेज। क्वेश्चन नंबर फोर, समिति की सदस्यता से, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का जो बोध होता है उसने किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर और पेज। आप लोग चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में कौन सी संस्था का एक उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यूपी पीजीटी 2021। याद रखिए पीजीटी, टीजीटी, नेट, सेट एग्ज़ाम सब में पूछे जाने वाले आपके पेपर टू सोशियोलॉजी का ये क्वेश्चन। कौन सा संस्था का उदाहरण है? सभी यानी जाति, विवाह, परिवार, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन समिति की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना समिति की विशेषता नहीं है। समिति की विशेषता कौन सी है? व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, विचारपूर्वक स्थापना, नियमों पर आधारित अस्थायी प्रकृति, एक निश्चित तथा औपचारिक संरचना, साध्य न होकर एक साधन मात्र। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? ऑप्शन नंबर बी, समिति में। अब आप यहां देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन कि समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है। यूजीसी नेट जेआरएफ 2008, 2009, 2010 और 2013 में पूछा गया, देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। यूजीसी नेट में 2008, 2009, 2010, 2013, यूजीसी नेट जेआरएफ जुलाई 2018, यूपी पीजीटी 2004, 13, 16, आरपीएससी लेक्चरर 2014-16, आरपीएससी प्रोफेसर 18, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। यानी सोच सकते हैं ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सदस्यता स्वैच्छिक है। समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है? सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी आपकी इच्छा पर आधारित है। आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? ऑप्शन नंबर डी, समनर ने। समनर ने की है, यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। आलोचनात्मकवादी नियमित संस्थाओं के बारे में विलियम ग्राहम समनर ने चर्चा की। आलोचनात्मक संस्थाएं वे संस्था या मानदंड हैं जो कि समाज में अनजाने में उभरती हैं, जैसे कि संपत्ति, विवाह, धर्म आदि, जबकि अधिनियमित संस्थाएं वे हैं जो युक्तियुक्त आविष्कार और नियत से विकसित होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, निगम और बैंक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, अमूर्तता। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, जब हम परिवार को व्यक्तियों के को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समिति। ठीक है, जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं उसे कहते हैं समिति। यूबी पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। फिर रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की चार विशेषता कौन सी हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूपी डाइट 2012 का क्वेश्चन, विभेदकारी, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता।
ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, विशिष्टता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। रेडफील्ड ने लघु समुदाय के चार विशेषताएं बताई हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी है? चैप्टर टू सोशियोलॉजी से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन नंबर डी रेडफील्ड ने, UKPSC लेक्चर मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए लिटिल, लघु एक ही चीज़ हो गई, तो रॉबर्ट रेडफील्ड। और यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो HPSC, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, UGC नेट JRF 2013, UGC नेट JRF दिसंबर 2005 और UPPGT 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विशेषताओं में आर रेडफील्ड द्वारा वर्णित लघु समुदाय की विशेषताओं के सही सेट को पहचानिए। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी समांगता, उसके अलावा ऑप्शन नंबर 3 आत्मनिर्भरता और ऑप्शन नंबर 4 विभेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है यानी द्वितीयक व्यवसाय। ये क्वेश्चन HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, UGC नेट JRF 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया? ऑप्शन नंबर डी द ए राजस्थान विलेज। गेसेलशाफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए समाज। टेक अ स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन के ऑप्शन का, ये जो एक्सप्लेनेशन है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसमें आपको आने वाले और भी जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गेसेलशाफ्ट, गेमिनशाफ्ट क्या है और गेसेलशाफ्ट क्या है? गेमिनशाफ्ट गेसेलशाफ्ट के रूप में वर्गीकरण किसके विचारों पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए फर्नांड टॉर्नेस के। गेमिनशाफ्ट व्यक्त करता है ऑप्शन नंबर डी पूर्व औद्योगिक समाज। ये आपका RPSC प्रोफेसर 2018, GDC लेक्चर 2008 और UPPGT 2000 में पूछा गया क्वेश्चन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। समुदाय के लिए गेमिनशाफ्ट तथा समिति के लिए गेसेलशाफ्ट, समुदाय के लिए गेमिनशाफ्ट और समिति के लिए गेसेलशाफ्ट शब्दों का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर ए टॉर्नेस ने। देख सकते हैं किस किस एग्जाम में पूछा गया। टॉर्नेस ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर डी गेमिनशाफ्ट। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉर्नेस के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? ऑप्शन नंबर ए समुदाय में। नेट JRF 2011, UPPGT 2002 में पूछा गया। पूर्ण संस्थान शब्द का क्या अर्थ है और उसमें क्या सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी यानी संगठित प्रतिष्ठान, मानकों से बचने की कम संभावना, प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की संभावना। UGC नेट JRF 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार्य प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया? ऑप्शन नंबर 1 दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 26, समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है और वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी लैटिन। समुदाय शब्द लैटिन के कॉम तथा म्यूनिस शब्द से बनकर बना है। कॉम का अर्थ है टुगेदर और म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी समिति का, UGC नेट JRF 2010 और UKPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। टेक अ स्क्रीनशॉट, एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट लेने का रीज़न ये है कि आप लोगों को इससे मिलते जुलते और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे आने वाले एग्ज़ाम में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 बाजार।
ग्रामीण और नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वरन वे निम्नलिखित में से किसके प्रकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक जीवन। निम्न में से क्या अमूर्त है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संबंध। निम्न में से क्या अमूर्त है? सामाजिक संबंध, जबकि समुदाय, गांव और देश मूर्त है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, समुदाय मूर्त है और समाज अमूर्त है। सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबद्धता स्वरूपता को दर्शाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, समुदाय। क्या कहलाता है? सी, समुदाय। ठीक है, एक सामाजिक संस्था, देखिए कितने सारे क्वेश्चन में आ चुका है, एग्जाम में आया है ये वाला क्वेश्चन। एक सामाजिक संस्था है ऑप्शन नंबर 1, एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। ये आया है RPSC प्रोफेसर 2018, GDC लेक्चर 2013-08 और UPGDC लेक्चरर 2012 में। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मानव के व्यवहार में कुछ समान आदतें होती हैं, इसको पढ़ लेना, डिटेल आपको पढ़नी है भाई। हम समितियों के सदस्य हैं ना कि संस्थाओं के, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर और पेज का। UPGDC लेक्चरर 2012 और UPPGT 2011 और 2004 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये सब आपके एक तरीके से नोट्स के तरीके काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक संस्था नहीं है? UPGDC लेक्चरर 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि, एक मिनट दिखा रही हूँ आपको आंसर, कृषि उत्पाद आर्थिक संस्था नहीं है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए तुरंत, क्योंकि एंड टाइम पर ये जो नोट्स मिल रहे हैं आपको, ये बहुत काम के हैं। जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित, तो उसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, बहुल समाज। पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, फिर मन करे तो भले डिलीट कर दीजिएगा। केस अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। UPGIC लेक्चरर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। केस अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। इसकी सहायता से किसी भी सामाजिक इकाई का संपूर्णता में अति सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, किसने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था से वर्गीकृत किया? ऑप्शन नंबर बी, समनर ने। WG समनर ने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था से वर्गीकृत किया। समनर ने संस्था के उद्विकास को प्रकट किया। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एक संस्था का बोध कराता है? अब ये क्वेश्चन देखिए कितनी जगह पे पूछा गया, UPPGT 16, 13, 11 में, UGC नेट GRF 7, 9, 12, 13, 14, UGC नेट GRF 13, 14, 15, GIC लेक्चरर 2005, 17 और UP डाइट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और निम्न में कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्यप्रणाली के स्थापित नियम और दशाएं। ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लेते चलो तुरंत। क्वेश्चन नंबर 40, एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है किस चीज़ का? ऑप्शन नंबर सी, समुदाय का। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकने और नियंत्रित करना है। ऑप्शन नंबर सी, पुलिस और जनता। कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक उद्योग। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धति और कार्य प्रणालियों से, जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती हैं? ऑप्शन नंबर ए, विश्वविद्यालय। ठीक है, विद्यालय, समिति और संस्था दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45,
हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं, कथन कारण है कि समिति समूह की परिचायक है जबकि संस्था ढंग व कार्यविधि की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। मैकाइवर और पेज के अनुसार यदि किसी व्यवस्था पर संगठित समूह के विचार के रूप में विचार करते हैं तो यह एक समिति के, यदि कार्यप्रणाली के रूप में तो वह एक संस्था है। समिति के सदस्य का पता सदस्यता का पता चलता है और संस्था के से कार्यप्रणाली या सेवा के तरीके के साधन का। UGC नेट December 7 और UPPGT 2004-5। सोचिए कितने एग्जाम में हेल्पफुल हैं ये। निम्नलिखित में कौन समिति नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 एक पार्क में टहलने वाला वृद्ध व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 2 इलाहाबाद। समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है जिससे हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती। इस आधार पर इलाहाबाद को समुदाय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर 3 बोगार्डस के द्वारा। UPPGT 2003 में पूछा गया क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट लेते चलिए तुरंत। चलिए नेक्स्ट देखिए। टॉनिस के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का टॉनिस के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का क्या चीज? ऑप्शन नंबर 2 समुदाय। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है स्क्रीनशॉट लेते चलिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 50 संघ के 3 स्तंभ कौन से हैं? UGC नेट JRF 16 में PGT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन चैप्टर 2 से। संघ के 3 स्तंभ हैं परिवार, जाति और समुदाय। क्वेश्चन नंबर 51 संघ के सभी सदस्य विभिन्न सामाजिक पद से होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 2 प्रतिष्ठा। गैर ऋण सहकारी संघ में होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 उपभोक्ता होता है। ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्रायः समाप्त होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 समिति। एक समिति और समुदाय नहीं परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित होता है। बताइए सही है कथन या गलत है? ऑप्शन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1। एक समिति समुदाय नहीं परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है, यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 समुदाय का आकार। संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा अधिनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया है ऑप्शन नंबर 3 समनर ने। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है या असत्य है? ऑप्शन नंबर 3 समुदाय में समानता अंतर दोनों होते हैं। फिर एक मैचिंग का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58 सूची दी गई है। एक बार आप इसको पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जो भी चाहते हैं उनको चैप्टर 3 के क्वेश्चंस भी मैं MCQ में कराऊं। अगर आप चाहते हो चैप्टर 3 यूनिट 3 UGC नेट पेपर 2 सोशलॉजी समाजशास्त्र के क्वेश्चन को तो जल्दी से कमेंट में यस ज़रूर लिखिए और क्वेश्चन के आंसर करते रहिए। इस क्वेश्चन का वैसे देख लीजिए आंसर सी होगा, कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, सी होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 59 चलिए कराएंगे अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नेक्स्ट लेके आएंगे पार्ट 3, ठीक है, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज क्वेश्चंस। थैंक यू।